प्यारे छात्रों, शुभ प्रभात। प्यारे छात्रों, सेंट्रल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल मान की सातवीं कक्षा के हिंदी पीरियड में आपका स्वागत है। आज बच्चे हम आपको हिंदी व्याकरण में निबंध बताएंगे, समय का महत्व। समय, जैसा कि आपको मालूम है कि समय का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कबीरदास जी भी कहते हैं, काल करे सो आजकल, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुत करेगा कब। अर्थात कि अपने अच्छे और जरूरी काम को जितनी जल्दी हो सके कर डालो। अब क्या है प्रस्तावना, हम देखते हैं कि समय का क्या महत्व है और समय किसे कहते हैं। प्रस्तावना के अंतर्गत आ जाता है बच्चे, साधारण बोलचाल की भाषा में समय को काल और काल को ही समय कहते हैं। अर्थ है कि अब हिंदी भाषा में क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि काम किस समय में हुआ है, चल रहे समय में, बीते हुए समय में या आने वाले समय में, उसे हम काल कहते हैं। काल के प्रकार, जैसा कि आपको मालूम है, काल के तीन प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल का हमारा तात्पर्य है कि जो समय चल रहा है और जिसमें कोई काम हो रहा है और काम का फल भी मौजूद है, उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। पहचान क्या है वर्तमान काल की, वाक्य के अंत में ता ती ते होता है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, तुम लिखते हो इत्यादि। भूतकाल, भूतकाल से हमारा तात्पर्य है बीता हुआ समय, जो कार्य बीते हुए समय में हो और जिसका फल भी समाप्त हो गया हो, उसे हम भूतकाल कहते हैं। वाक्य के अंत में था थी थे लगा होता है। तीसरा आ गया बच्चे भविष्य का, भविष्य काल से हमारा तात्पर्य है आने वाले समय को हम भविष्य काल कहते हैं। इसमें ना तो काम शुरू हुआ होता है और ना ही काम का फल मौजूद होता है, तो ऐसे समय को हम भविष्य काल कहते हैं। समय का महत्व, समय तीव्र गति से बिना रुके हुए चलता है या किसी की भी प्रतीक्षा या परवाह नहीं करता। बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उचित समय पर प्रत्येक कार्य कर देना चाहिए, क्योंकि डाल से छूटा हुआ बंदर और समय से चूका हुआ व्यक्ति कभी भी जिंदगी में सफल नहीं होते। जो व्यक्ति समय को बचाता है, समय उसे बचाकर उन्नति के शिखर पर चढ़ा देता है, और जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद करता है। समय का सदुपयोग, अब क्या है कि हम समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। हम प्रत्येक कार्य को करने, प्रत्येक कार्य को योजनाबद्ध करना चाहिए, हमें प्रत्येक कार्य को योजनाबद्ध करना चाहिए, निश्चित किए गए समय पर ही हमें काम करना चाहिए। समय पर काम न करने से अत्यधिक हानि होती है, तो निश्चित किए गए समय पर काम करने के बजाय टाल मटोल नहीं करना चाहिए और ना ही काम छोर पड़ना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम जिंदगी में कभी भी सफल नहीं होंगे। अतः हमें प्रत्येक कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनानी चाहिए और योजना के अनुसार ही हमें प्रत्येक कार्य को संपन्न करना चाहिए। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, तो काम करने की जगह पर हमें आलस से नहीं करना चाहिए। अगर हम आलस करेंगे तो कभी भी अपने काम में सफल नहीं होंगे। धन्यवाद बच्चे।